विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। द अनटोल्ड अंबेडकर के 12वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 26 नवंबर 1949 को भारत को संविधान देकर अपने घर पर दिल्ली के अलीपुर रोड के बंगले पर आ गए। बाबा साहब अंबेडकर जी की एक आराम कुर्सी हुआ करती थी, रोलिंग चेयर, उसके ऊपर बाबा साहब अंबेडकर बैठे, अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी ही देर में बाबा साहब अंबेडकर जी के आंखों से आंसू बहने लग गए। बगल में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के सचिव शंकरानंद शास्त्री खड़े थे। शास्त्री जी ने देखा कि बाबा साहब अंबेडकर रो रहे हैं। अब बाबा साहब को कैसे उठाऊं और कैसे पूछूं कि आप क्यों रो रहे हो। शंकरानंद शास्त्री जी ने एक युक्ति की, बाबा साहब अंबेडकर जी के पैरों के यहां बैठे और पैर दबाते दबाते बाबा साहब से सवाल किया, बाबा साहब अभी आप इस देश को एक अच्छा संविधान देकर आए हो, एक अच्छी व्यवस्था देकर आए हो, किस बात का दुख है आपको, आप क्यों रो रहे हो। बाबा साहब ने आंखें खोली और शास्त्री से कहा कि शास्त्री मैं मेरे जीवन के सफर को याद कर रहा था और इस सफर को याद करते करते मुझे मेरा बच्चा याद आ गया, मेरा बेटा, मेरा सबसे प्यारा बेटा राजरत्न मुझे याद आ गया। 2.5 साल की उम्र में इसे डबल निमोनिया हो गया था। उस समय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की आर्थिक हालात कुछ अच्छी नहीं थी। बाबा साहब अंबेडकर उस समय वकीली किया करते थे और ऐसे हालातों में बाबा साहब अंबेडकर जी का यह बेटा, इसे डबल निमोनिया हो गया था। जुलाई 1926 में इसे डबल निमोनिया हो गया था और बाबा साहब अंबेडकर हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में एक केस के संदर्भ में गए थे। माता रमाई ने देखा कि राजरत्न का बुखार बढ़ते जा रहा है। माता रमाई ने बाबा साहब के कार्यकर्ता से कहा कि बाबा साहब जहां कहीं पर भी हो उन्हें तुरंत घर लेकर आओ। यह कार्यकर्ता हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट पहुंचने पर बाबा साहब को संदेशा दिया कि बाबा साहब आपको तुरंत घर बुलाया है। बाबा साहब अपना सारा काम छोड़कर, बाबा साहब को पता चला क्या हुआ होगा, बाबा साहब ने उसी हाईकोर्ट के दरवाजे से, उसी हाईकोर्ट के प्रांगण से तांगा किया और बाबा साहब जिस चाली में रहा करते थे उस चाली के सामने आकर यह तांगा रुका। 10x10 का बाबा साहब का मकान हुआ करता था। बाबा साहब ने जैसे ही इस मकान में प्रवेश किया, अपने बच्चे को अपने गोद में लिया, गोद में बाबा साहब अंबेडकर इस राजरत्न को लेकर उसको खिला रहे थे और बाबा साहब अंबेडकर जी की ही गोद में इस राजरत्न ने प्राण त्याग कर दिया। उस समय बाबा साहब इतना फूट फूट कर रो रहे थे, दीवार पर सर पटक पटक कर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रो रहे थे। पूरे कार्यकर्ता, पूरे चाली के लोग बाबा साहब को देख रहे थे, एक बच्चे की तरह बाबा साहब रो रहे थे। बाबा साहब को कैसे शांत किया जाए। बाबा साहब का बचपन का दोस्त मालू आगे आया, बाबा साहब को बहुत परिश्रम के बाद बाबा साहब को शांत किया। शांत करने के बाद एक कार्यकर्ता ने बाबा साहब से सवाल किया कि बाबा साहब अभी रीति रिवाज के अनुसार पिता के पैसों से बच्चे के शरीर पर नए कपड़े लाने होते हैं, कफन लाना होता है, ये सारा साहित्य लाने के लिए पैसे दीजिए ताकि हम राजरत्न का अंत्यविधि कर सके। बाबा साहब के कानों पर जैसे ही ये शब्द पड़े, शांत हुए बाबा साहब फिर से फूट फूट कर रोने लग गए। बगल में माता रमाई खड़ी थी। माता रमाई को पता चल गया कि इस रोने की वजह कुछ और है। माता रमाई को पता चला कि बाबा साहब अंबेडकर की जेब में नए कपड़े छोड़ो, कफन लाने तक के पैसे बाबा साहब के पास नहीं है। माता रमाई ने बदन पर की साड़ी फाड़ी और उस राजरत्न के शरीर पर कफन के तौर पर डाली। यह बात डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को 26 नवंबर 1949 को भारत को संविधान देने के बाद याद आ गई। बाबा साहब शास्त्री से कहते कि शास्त्री एक समय था कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा राजरत्न इस जहां से जाते समय मैं उसके शरीर पर कफन तक डाल नहीं सका। मेरा बच्चा बिना कफन के इस जहां से चला गया, लेकिन आज मैंने इस देश को संविधान निर्माण करके दिया है और एक ऐसी व्यवस्था मैंने इस देश में कायम कर दी गई है, इस देश में ऐसी व्यवस्था मैंने कायम कर दी है कि मेरा आने वाला हर एक राजरत्न, चाहे वो हिंदुओं का हो,
चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, इस देश में पैदा होने वाला हर एक राजरतन ये सूट बूट टाई कोट में जन्म लेगा, ऐसी व्यवस्था मैंने इस देश को दे दी है। और बाबा साहब ने ये बात 26 नवंबर 1949 को संविधान देने के बाद कही। और बाबा साहब का संविधान इस देश में सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को अपनी प्रगति करने का एक मौका देती है और सूट बूट टाई कोट में लाने की व्यवस्था करती है। ये बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान देने के बाद बाबा साहब को ये बात बाबा साहब ने शंकरानंद शास्त्री से कही। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।